अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अब के हम बिछड़े। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जावेद कि तू क्या कर रहा है। देख, ज्यादा जबरदस्ती करने से कहीं कल को तमसील के लिए मुसीबत पैदा ना हो जाए। अगर वो मुकर गया तो हम दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? और मुझे इस हलाला के लिए आप जैसे भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि आप ये हलाला करने में मेरी मदद जरूर करेंगे। एक गाड़ी दे देने से आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आज से पहले कभी आपको मेरा ख्याल आया कि मैं कब कहाँ जाती हूँ, कब वापस आती हूँ? और आज आपने मुझे एक लड़के के साथ देख लिया तो आपको अपनी और अपनी बेटी की इज्जत याद आ गई। सुबह ही सुबह मेरे कमरे में। सब खैर तो है? हादी भाई, मेरा बैग वापस करें। मेरा बैग वापस करें, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। आप दे रहे हैं या फिर मैं अबू से शिकायत करूं? अबू से शिकायत कैसे करोगी तुम, वो तो सुबह ही घर से चले गए थे। प्लीज आदि भाई। अच्छा ठीक है, एक तो तुम रोना शुरू कर देती हो फौरन। अच्छा ये बताएं कि खास बात क्या है? है तो खास, अगर तुम इत्मीनान से सुनना पसंद करोगी तो। अच्छा, बेचैनी खुद को और इत्मीनान मैं रखूं? वाह। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, अगर प्रॉमिस मी तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। रिश्वत लगेगी, मंजूर है तो बोलो। कैसी रिश्वत? वो तो मैं बात सुनने के बाद ही बताऊंगी ना। हिदा, वो तुम्हारी दोस्त है ना उरुसा, वो मुझे बहुत पसंद है। जानती हूँ। तो मैं उरुसा को अपने साथ लंच पे ले जाना चाहता हूँ, अब अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो। आपका काम हो जाएगा, लेकिन बदले में आपको मुझे ट्रीट देनी होगी। डन। तो ठीक है, अब मुझे जाने दें। हाँ, ये लो। देर हो रही है मुझे। कैसे कर सकता है तू मुझ पे भरोसा? तमसील भी जवान है, मैं भी जवान हूँ। अल्लाह करे कि अगर मेरी नीयत बदल जाए तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं तुझे? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो अपनी बात कर जाए। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अपनी जबान के पक्के आदमी हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया उन्हें। 10 लाख रुपये के कर्जदार हैं वो मेरे, और वो चाह के बिना मुझे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, मैं जावेद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। निकाह होगा तो सिर्फ जावेद से। फैजल साहब, ये सब क्या है? ये तो रिदा की ज्वेलरी है ना, आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है? आज तक आपने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, क्या छुपा रहे बताइए ना। कभी कभार इंसान बहुत बुरी तरह फंस जाता है, हर रास्ता बंद दिखाई देता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। आज से पहले मैंने आपको कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे? मियां बीवी के दरमियान तो किसी भी बात का पर्दा नहीं होता, बताइए ना।
हलीमा बेगम, मुझे हर हाल में 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 लाख? आखिर क्यों? हर सूरत में मैंने जावेद के पैसे लौटाने। ऐसे में क्या शर्त रख दी उन्होंने? आप यूं समझ लें कि वो इन पैसों के बस मुझे खरीदना चाहता है। मेरा जमीर अभी जिंदा है, इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि चंद रुपयों के लिए बिक जाऊं। आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप ये उठाकर रख दीजिए, ये मेरी बेटी की अमानत है। रेदा ने बताया तुम मिलना नहीं चाहती। अच्छा, मुस्कुराओ मत, जो पूछा उसका जवाब दो। जी नहीं, नहीं मिलना चाहती। इतना तो मैं जानता हूं कि लड़कियां अपने दिलों का हाल बाखूबी छुपा लेती हैं और सामने वाले की फीलिंग्स को एंजॉय करती हैं। अच्छा, इतना सब कुछ आप कैसे जानते हैं लड़कियों के बारे में? मैं तो सिर्फ एक ही लड़की को जानता हूं जिसका नाम है उरुसा। अब देख लो, इतने हैंडसम लड़के से मिलने का चांस फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। हैंडसम और आप, ये खुशफहमी भी है आपको मिस्टर हाथी? यकीन ना हो तो एक दफा आजमा कर देख लो। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई मिल गया ना तुम्हें तो फिर क्या ना? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे देखने का स्टाइल, तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना। इतना भरोसा है आपको मुझ पर? तुमसे जुड़ी हर चीज से मोहब्बत है मुझे। तो फिर क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? जो तुम कहो। सोच ले मिस्टर हादी। सोच लिया। तो मेरा हाथ थाम कर अपने बाबा के सामने इजहार मोहब्बत कर सकते हैं? ये कैसी शर्त है यार? ये शर्त नहीं, इम्तिहान है आपकी मोहब्बत का। अब तो जान से मार देंगे मुझे। सच्ची मोहब्बत में डर और खौफ नहीं होता, मंजिल पाने का जुनून होता है हादी साहब। तो इसका मतलब है तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी? मिलूंगी ना, जब आप मेरे इम्तिहान में पास हो जाएंगे। प्लीज रोजा, प्लीज एक बार। प्रॉमिस, मैं इसके बाद तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं करूंगा। प्लीज एक बार। ओके फाइन, कल मिलते कॉलेज के बाद। थैंक्स सो मच। सो सी यू टुमारो एंड आई लव यू। तेरा फोन किया, तेरा फोन दे मुझे। अरे क्या हो गया है यार, किससे बात करेगा? फरवा को कॉल करूंगा और उससे कहूंगा कि तुझे शादी की इजाजत दे दे, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो इजाजत दे देगी। तू पागल हो गया है क्या? अपनी जिंदगी बचाने के लिए तू मेरी जिंदगी तौर पे लगा रहा है? तेरी सारी सेटिंग करवा दी है मैंने, क्या ये जरूरी है कि मैं ही निकाह करूं तमसील से? जावेद बहुत जरूरी है, मेरी बहुत समझ यार, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उस आदमी से तमसील का निकाह करवाऊं। देख तू निकाह कर ले यार, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद तुम्हारी अलहदगी हो जाएगी तमसील से, ना तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा ना तमसील को ना ही फरवा को। देख मेरा भाई, प्लीज मेरी बात मान जा, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा और तू जैसा कहेगा वैसा होगा। फरवा को अगर तू चाहता है कि ना पता चले तो उसको वो भी नहीं पता चलेगा। जावेद प्लीज यार,
अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम सलाम अहसन साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से फोन किया? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। मुझे आपसे एक ज़रूरी काम पड़ गया है। हाँ बताइए अहसन साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जुनैद साहब, दरअसल मुझे अर्जेंट बेसिस पे लोन अप्लाई करना था और मैं जानता हूँ कि लोन की अप्रूवल सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। कितना लोन चाहिए आपको? यही कोई 10 लाख रुपए। देखिए अहसन साहब, हमारा बैंक या तो कार फाइनेंस कर सकता है या फिर घर फाइनेंस कर सकता है। जुनैद साहब देखिए, आप मैनेजर हैं और कोई तो हल निकाल सकते हैं ना? कोई हल नहीं है अहसन साहब। सैलरी शो करवाकर आप घर के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं या फिर कार के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बड़ी उम्मीद लेके मैंने आपको फोन किया है। वैसे मेरे पास एक बंदा है जो शायद आपकी कोई हेल्प कर सके, उससे जाकर आप मिल लीजिएगा, मैं उसका नंबर आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। बेटा तुम कुछ लोगी? सर शाम पास करते। श्योर। थैंक यू। यू वेलकम। आप दोनों कुछ ले क्यों नहीं रहे? तुम्हें इतने दिनों के बाद खुश देखा है, पेट अपने आप ही भर गया। बाबा प्लीज। क्या बात है, हम तुम्हारी इस खुशी का राज जान सकते? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप दोनों ने मेरे लिए खुद को चेंज किया। मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं। आप जानते हैं ना कि आप दोनों मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे खुशी है इस चीज की कि आप दोनों को ये बात समझ आई। अच्छा भी साहब, आप मुझे इस तरह मत देखें और ब्रेकफास्ट करें। ओके। नाश्ता कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे जावेद शेरगुल साहब से मिलना। जी आपका नाम क्या है? मैं अहसन हयात। ही लीजिए जावेद साहब आ गए। अरे अहसन साहब कैसे आना हो? जावेद साहब, दरअसल मैं बैंक गया था जुनैद साहब से मिलने। अगर मुझे पता होता कि वो मुझे आपके पास भिजवाएंगे तो मैं कभी नहीं आता। खैरियत तो है, उनके पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? मेरा ख्याल था कि वो शायद आपको बता चुके होंगे। बहरहाल मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके पिछले एहसान के बाद मैं आपका कोई मजीद एहसान नहीं लेना चाहता। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द मैं
आपकी रकम लौटा दूँ। फिर वही बात एहसन साहब, आप हालात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? चार दिन के निकाह के लिए आप अपनी इज्जत दांव पे लगा सकते हैं, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान सकते? जावेद साहब देखिए, आप शायद ये नहीं जानते कि मैंने आज तक अपनी बीवी से झूठ नहीं बोला, और अब ये वक्त आ गया है कि मैं सच बताने की पोजीशन में भी नहीं। जी एहसन साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आपका निकाह तमसील के साथ रहेगा, मैं आपको एक अलहदा अपार्टमेंट लेकर दूंगा, और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ देखें, माना कि मैं मजबूर हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेटी के जहेज के लिए मैं अपना जमीर बेच दूं। नहीं जावेद साहब नहीं, मैं कल भी अपनी बात पे कायम था, मैं आज भी अपनी बात पे कायम। तो फिर ठीक है एहसन साहब, कल तक का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, मेरी रकम लौटा दें, वरना जो कुछ आपके साथ होगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। रिदा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। किसके साथ आई? वो अब्बा, मैं ऑटो से आई हूँ। कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए, एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मुझे तुम्हारा यूं अकेले घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हादी कहाँ है? मैंने पूछा तुमसे, हादी कहाँ है? मालूम नहीं अब्बा। अलीमा, अलीमा, क्या क्या बात है, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? सब खैरियत है ना? कहाँ है आपके साहबजादे? वो तो रिदा को लेने गया था। लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी से अकेली आई, फिर वो कहां गया? कितनी बार मैं कह चुका हूं आपसे कि आपका बेटा हाथों से निकला जा रहा है, लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आती। अगर आप उसकी गलतियों पे पर्दा ना डालती तो आज वो दायरे में होता। अब वो इतना दिलेर हो गया है कि मां बाप से झूठ बोलने लगा है, और ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। मैं हादी को फोन मिलाती हूँ, आप खुद उससे पूछ लीजिए। कब सुधरेगा ये लड़का? हादी की वजह से तुम्हारे अब्बा मेरी जान ले लेंगे। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हादी को फोन मिलाती हूँ, पूछती हूँ कहाँ है वो। तुम ऐसे देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोल तो दिया मैंने, अब बस आपके बोलने का इंतजार है। और वैसे भी जब आप मेरे सामने होती हैं तो मेरा कुछ बोलने का दिल ही नहीं चाहता, और दिल करता है कि आप मेरे सामने इसी तरह से बैठे रहें और मैं आपको इसी तरह से देखता रहूं। और अगर मैं आपके सामने नहीं रही तो फिर चार कांधों की जरूरत पड़ेगी। रुसा,
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, और मेरी मोहब्बत को महज एक एंटरटेनमेंट मत समझना। तुम्हारे साथ बिताए हुए एक एक नवा मुझे बहुत ही कीमती लगता है, तो मैं कभी भुला कर भी नहीं भूल सकता। बहरहाल क्या लेना पसंद करोगे, तो चाय, कॉफी या? I'll have coffee. Okay. And I do have a surprise for you. Surprise? So, एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। ये मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूँ? मैं घर में क्या कहूँगी? मॉम डैड से कैसे छुपाऊंगी? जब मेरी मोहब्बत अपने दिल में छुपा सकती हो, तो एक छोटा सा तोहफा तो पैरों से छुपा ही सकती हो। सब समझता हूँ, ये जो दबे अल्फाजों में अपने दिल की बात जो कह रही है। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। तो कह दो ना, कह दो। तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है? मैं जानता हूँ एक लड़की घबराती है अपने दिल की बात कहने से। मैंने सोचा मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूँ। अगर तुम मेरा ये तोहफा कबूल कर लो और अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दो। हाँ सही है यार, देख जैसे ही फरवा दुबई से वापस आएगी ना, मैं तमसील को डिवोर्स दे दूंगा, समझा तू? तुम? हाँ, क्यों मेरा ये अचानक साला, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत टाइम के बाद देखा है ना तो। लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ा हुआ है जैसे मेरे अचानक आने से तुम्हारा कोई प्लान खराब हो गया। कहीं दोस्तों के साथ बाहर जा रहे थे क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऑफिस के लिए जा रहा था। लेकिन अब मैं आ गई ना, तो तुम कुछ दिन को ऑफ ले लो। लेकिन आज तो जाना पड़ेगा। ओके यार, फरवा दुबई से आ गई है उमर। What? मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि फरवा के होते हुए मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठाऊं। मेरा दिल नहीं मान रहा उसे चीट करने का यार। यार तू कौन सा तमसील से मोहब्बत करता है जो फरवा को चीट करेगा? तमसील ने कौन सा तेरे घर पर आकर रहना है? दो चार दिन की बात है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेंगे यार। यार क्या कहूंगा मैं फरवा से कि कहां जा रहा हूं? जावेद कुछ भी बहाना बना देना, डिनर पे जा रहा हूं, दोस्तों के साथ जा रहा हूं। प्लीज यार मान ले मेरी बात। अच्छा यार करता हूं कुछ तेरे। मामा मैं अंदर आ सकती हूँ?
हाँ बेटा, जब चाहो आ सकती हो, तुम्हारा अपना रूम है। आप कहीं जा रही है? हाँ, वो कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ नानू के पास। लेकिन आपने बताया ही नहीं। बेटा वो अचानक से नानू की तबीयत ख़राब हो गई तो इमरजेंसी में जा रही हूँ, इसलिए मौका ही नहीं मिला बताने का। ओ, क्या हुआ नानू को? वो तो जाके ही पता चलेगा ना। मैं भी साथ चलूँ? नहीं नहीं, तुम क्या करोगी? बेटा तुम्हारी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, पता है तुम यहीं पर हो और पापा का ख्याल रखो, सही है? अच्छा, लेकिन फिर आप वापस कब आएंगी? जल्दी आ जाऊंगी, डोंट यू वरी। आई मिस यू टू। अब प्रॉमिस करिए जल्दी वापस आएंगी। हाँ बेटा। तमसीर, तैयार हो? चलें। चलो। मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं कि तुम इतनी भी हसीन लग सकती हो। अच्छा, क्या कमी है मुझमें? नहीं, कमी तो नहीं है, बस ये नाक थोड़ी सी मोटी है। What? अरे बाबा, मजाक कर मजाक कर। मेरे साथ यूं ही मुस्कुराती रहोगी ना तमसील? और तुम मेरा यूं ही साथ निभाओगे ना? जब तुम अपने पोतों की शादी कर रही होगी ना, और तुम्हारे हाथ कब कपा रहे होंगे, तब भी तुम्हारे साथ मैं एक दीवार की तरह खड़ा होऊंगा, तुम्हारा सहारा बनकर। उस वक्त भी मैं तुम्हें उतना ही चाहूंगा जितना आज चाहता हूं। कोई हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। आई प्रॉमिस। तुम ही ना मत। अच्छा, लेट्स गो। तमसील। हाँ उमर, बोलो। रेडी हो? हाँ। तुम्हें जाना है उमर? उरुसा का ख्याल रखना। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? कल तुम मुझसे बोल रहे थे जावेद से निकाह कर लो, और आज तुम चेयरमैन साहब से मेरी निकाह की बात कर रहे हो। अगर जावेद ने निकाह करने से मना कर दिया था तो कल को राह पे कोई भी चलता हुआ आदमी पकड़ के ले आओगे और बोलोगे हलाला करने से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। मैं किसी भी सूरत में चेयरमैन साहब से निकाह नहीं करूंगी, सुन लिया तुमने? तमसील प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। देखो ये फैसला जोश में नहीं, होश में करना है। मैं मानता हूं कि ये बात तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो ये कदम उठाना हम दोनों के लिए, बल्कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उमर, तुम ये हाथ खो चुके हो। मैं तुम्हारी सुनी क्यों रही हूं?
ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी औरत खुदकुशी करना बेहतर समझेगी। और मैं क्यों जिंदा अब तक? मुझे भी मर जाना चाहिए। प्लीज तमसी, बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है तुम्हें किसी और का होते हुए देखना। नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना उमा। आखिर मैं तुम्हारी बात सुन ही क्यों रही हूँ? तुम्हारी खुदगर्जी ने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया। सारे प्यार से मैं तू? बोलो अमर, कुछ तो बोलो। ऐसे जीने से मरना ही अच्छा। हमारी बेटी के लिए, हमारी उरूसा के लिए, बल्कि हम दोनों के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माना कि मैंने जज्बात और गुस्से में आकर तुम्हें तलाक दे दी, तुम्हें इस मुश्किल के सुपुर्द कर दी, लेकिन अब मुझे अपने आप पर गुस्सा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम किसी और की बीवी हो जाओ? आतिश नमरूद पे चलना क्या होगा? हाँ समझ आया, ये इश्क बहुत इम्तिहान लेता है और मुझे ये इम्तिहान अपनी उरूसा के लिए देना ही होगा। मैं जरा मसरूफ था। ये क्या बेहूदगी? कहीं आने जाने का कोई तरीका, कोई कायदा, कोई करीना होता है। वक्त मिला तो कायदा भी पढ़ लेंगे और करीना भी समझ लेंगे। मेरी बात गौर से सुने चेयरमैन साहब। ये दुनिया लो और दो के असूल पे चलती है। मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, अब आपकी बारी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ। चेयरमैन साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा काम इज्जत से करते हैं, वरना 10 लाख की जो मोटी रकम आपको दी है वो अभी वापस। दस लाख से आपके खानदान की इज्जत बच रही है, तो इसके बदले आप भी हमारी इज्जत की लाज रखेंगे। तो फिर कब आऊं? कल शाम तैयार रहिएगा। इंतजार की आदत नहीं मुझे, चलता हूं। अच्छी तरह सोच लो, इसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होगी। क्या ये सिर्फ मेरा फैसला है? फैसला मेरा या तुम्हारा नहीं, बल्कि हमारा है। हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि पेरेंट्स भी हैं। उनुसा को इस फैसले के बारे में मालूम होगा तो क्या होगा? Thank you.
तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? कि मैं एक बुरा बाप हूं? ये तो तुम्हें पता होगा, मेरे मुंह से सच सुन नहीं पाओगे तुम। नहीं, आज तुम सच बता ही दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे मर्द के मुंह लगने का। तुम ना तो अच्छा शौहर बन पाया और ना अच्छा बाप। कटेगा के मंजिल न होगी सजन, कहीं दिल को राहत भी हासिल न होगी सजन। हादी, तुम्हारे अब्बा अभी तक नहीं आए, कितनी दफा उन्हें फोन कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। अल्लाह करे सब खैरियत दो, पहले तो कभी भी इतनी लापरवाही नहीं बढ़ती, मेरा तो दिल हौला जा रहा है, जरा फोन तो करो। अरे मियां परेशान क्यों हो रही हैं, अब्बा आ जाएंगे, ऐसा होकर उनको तो पता मियां अब्बा के कितने सारे दोस्त हैं, कितना बड़ा उनका हल्का बाप है। क्या हुआ, उठा नहीं रहे? बैल तो जा रही है अम्मी, पर फोन नहीं उठा रहे वो, शायद बिजी होंगे अम्मी, या शायद मीटिंग में होंगे, अब खामखा ही परेशान हो रही है अम्मी। एक बार और मिलाकर देखो ना। नहीं उठाया ना, या अल्लाह, मुझे लगता है खुदा ना खासा तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया है, वरना ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। अल्लाह करे सब खैरियत हो, मेरी आंख ना सुबह से पड़क रही थी, मेरा दिल बैठा जा रहा है आदि। अरे अभी आप रिलैक्स रहे, मैं ऐसा करता हूँ, जाकर चेक करता हूँ। अब्बा अक्सर सभी घर के पास बैठे होते हैं ना, मैं जाके देखता हूँ। तुम्हारे अब्बा पहले ही घर से बाहर है और अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो, इतनी रात हो गई है, कुछ मत करो, मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। अरे मियां आप मुझे जाने नहीं देंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अब्बू कहाँ पर है इस वक्त? अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन देखो जो कुछ भी बात है ना मुझे सच सच बताना और अपना फोन खुला रखना। ठीक है भाई, मैं जाकर चेक करता हूँ, और आप देखना अब्बू और मैं जब घर पर आएंगे ना तो हंसते भी आएंगे। तमन्ना हसी शोख चंचल न होगी सजन, कहीं दिल को राहत भी हासिल न होगी सजन। तुमने मेरी शराफत का गलत फायदा उठाया है जावेद, और ये फायदा अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कल तक मैं ब्लैकमेल हो रहा था, अब तुम देखो वक्त कैसे करवट बदलता है। जिस तरह आप मजबूर हैं, उसी तरह मैं भी मजबूर हूं। आप आराम से यहां बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? कहीं दिल को राहत दे।
हम बिछड़े। अब के हम बिछड़े। अम्मी परेशान ना हो, अप्पा आ जाएंगे। पानी पी लीजिए। क्या हुआ, मिल गए तुम्हारे अब्बा? कहाँ आए, क्या बाहर है? आओ ना, सब ठीक है ना? हादी तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। नहीं अम्मी, मैंने अब्बा को हर जगह तलाश किया, अब्बा मुझे बशीर अंकल के घर पे भी नहीं मिले। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? अब ढूंढना नहीं अम्मी, बस इंतजार करना होगा अब्बा का। वही आके हमें बताएंगे कि वो कहाँ पे थे। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। याल्ला। अम्मी आप इस तरह से परेशान मत हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आप एक काम करें, ये दवाई और पानी लीजिए और आराम कीजिए। अब आराम कहाँ, तो तुम्हारे अब्बा को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, ना मुझे आराम आएगा ना ही नींद आएगी। अरे अम्मी आप परेशान क्यों हो रही है, मैं सारी रात जाग तो रहा हूँ ना, और मेरा फोन भी ऑन है। अम्मी अगर रीता ने आपको इस हालत में देख लिया तो वो भी परेशान हो जाएंगे। प्लीज अम्मी आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपके पास।